हेलो फ्रेंड्स, इसमें आदि द साइंस का है। फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ फील्ड कैपेसिटी एंड इरिगेशन एफिशिएंसीज। फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम लोगों ने फील्ड कैपेसिटी के बारे में जाना था कि फील्ड कैपेसिटीज क्या होती है, ठीक है, और उसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था और एक डायग्राम भी पढ़ा था जो कि हमें पूरा विजुलाइज करा रहा था कि कहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, अवेलेबल वाटर होता है, परमेबिलिटी पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इस पार्ट में हम लोग फ्रेंड्स इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एफिशिएंसीज का क्या मतलब है? एफिशिएंसी हमने हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट, यही होती है एफिशिएंसी। अब इसको फील्ड के टर्म पे हम इसको कैसे दिखाते हैं, ठीक है, इसमें हमारा क्या है फील्ड के टर्म पे कि हमें आउटपुट में कितना पानी मिल रहा है जब हम इनपुट कुछ वाटर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हो गए। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी की, इसको हम डिनोट करते हैं ईटा सी से। एफिशिएंसीज को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसको विजुलाइज करके पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कन्वेयंस, जिसका मतलब किससे, ट्रांसपोर्टेशन से। तो फ्रेंड्स, इसको इस तरह से विजुलाइज करिए कि हमारे पास एक कैनाल है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है और इससे हमने एक ब्रांच ली और हम उस ब्रांच को क्या कर रहे हैं, उस पानी को हम लोग अपने फील्ड में, हमारे पास एक फील्ड है उसमें इरिगेट कर रहे हैं। तो ये जो पानी हमारी फील्ड को डिलीवर होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवर्ड वाटर टू द फील्ड। और ये जो पानी कैनाल में डिलीवर हो रहा है, जो एक्चुअल पानी हम लोग देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवर वाटर टू द कैनाल। अब क्या होता है, ये पानी यहाँ से आता है इस ब्रांच के थ्रू और इसमें आपके पानी डिलीवर हो जाता है फील्ड को। तो रास्ते में क्या होता है, क्योंकि ये अनकवर्ड कैनाल्स हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सीपेज होने लगती है साइड में सीपेज होने लगी, डीप पेनिट्रेशन होने लगा पानी का, रास्ते में ही आते आते इवेपोरेशन हो रहा है, रैट होल्स वगैरह बन जाते हैं जिससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इन सब लॉसेस के कारण जो एक्चुअल पानी हमने डिलीवर किया वो आउटपुट में पहुंच नहीं पाता, और जितना पानी पहुंचता है उसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। इसी को परसेंटेज के टर्म पे निकाल देते हैं, आपका एफिशिएंसी निकल जाता है। तो अगर आप खुद बताइए कि इसका क्या होगा, अगर मैंने एफिशिएंसी बोला कन्वेयंस एफिशिएंसी, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है डिलीवर वाटर टू द फील्ड। क्वांटिटी मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमारा डिलीवर हुआ, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू कैनाल, यही आपकी क्या है कन्वेयंस एफिशिएंसी। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज पे एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो सपोज अगर 80% इसकी एफिशिएंसी निकल के आती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमने कैनाल पे पानी दिया था उसका 80% ऑफ द वाटर डिलीवर हो रहा है और 20% वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किस वजह से लॉस हो रहा है, डीप पेनिट्रेशन सीपेज की वजह से, सीपेज इन बंड्स एंड रैट होल्स की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, इन सब की वजह से लॉसेज हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 20%। तो ये ट्रांसपोर्टेशन या कन्वेंस की वजह से जो लॉसेज थे उसकी एफिशिएंसी है ये। इसी तरह हम विजुलाइज करते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी को। अब इस एप्लीकेशन एफिशिएंसी में क्या होता है, जो हमारे पास ये फील्ड थी, अब इसके अंदर का देखेंगे, ठीक है, अंदर क्या है, हमारे पास सॉइल है, आपने इसको पानी कुछ डिलीवर किया, जैसे यहाँ पर 80% ऑफ द वाटर पहले आ रहा था वो आपने इसको डिलीवर कर दिया। अब डिलीवर करने के बाद क्या होता है, जैसे हमने फील्ड कैपेसिटी में पढ़ा था कि पानी का क्या होने लगता है, डीप परकुलेशन होता है और जाके ग्राउंड वाटर टेबल से जाके मिल जाता है। डीप परकुलेशन होने के बाद कोहेजन और एडहेशन की वजह से यहाँ पर कुछ सॉइल पार्टिकल्स के आसपास पानी रह जाता है, इसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसमें कुछ लॉसेज हुआ डीप परकुलेशन की वजह से, कुछ रन ऑफ लॉस भी होता है, रन ऑफ होकर आपका ड्रेन में जाके पानी चला जाता है बाहर। तो इन सब लॉसेज होने के बाद जितना पानी स्टोर हुआ कहाँ पे, सॉइल में, विथ रिस्पेक्ट टू कितना जो डिलीवर हुआ था उसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं एप्लीकेशन एफिशिएंसी, कि वाटर का एप्लीकेशन कितना हो पा रहा है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ईटा ए से। तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय, ध्यान रखिएगा रूट जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रूट जोन आपको पता है जहाँ पे, जहाँ तक पानी एक्सट्रैक्ट कर सकता है रूट्स प्लांट्स के, उसे हम लोग रूट जोन बोलते हैं। इसका आपने डिस्ट्रीब्यूशन में देखा होगा कि जहाँ पर रूट्स होता है, जैसे ये सपोज प्लांट्स हैं और यहाँ पर आपके रूट्स हैं, तो जहाँ तक रूट्स होते हैं वहाँ से वो 40% पानी एक्सट्रैक्ट कर पाता है, उसके नीचे से वो 30%, देन 20%, उसके नीचे, देन सबसे नीचे आपका 10%। तो इस वे में वो पानी सॉइल से एक्सट्रैक्ट करता है। तो इस रूट जोन में जितना पानी स्टोर हुआ और डिलीवर कितना किया था, ये वाला हमने डिलीवर किया था,
तो इसके रेस्पेक्ट में द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड डिलीवर्ड टू द फीड। तो ये होता है आपका वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। और इसमें लॉसेस क्या क्या बताया मैंने, ये आपका डीप परकुलेशन और रन ऑफ, टेल वाटर रन ऑफ। और तीसरा आता है हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ईटा यू से। और इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड ओवर क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड का मतलब है जितना पानी क्रॉप ने यूज़ किया, और जो प्लस हम लोग लीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। लीचिंग कौन सा फिनोमेना है, जहाँ पे हम लोग फील्ड को वाटर लॉक करते हैं, फील्ड को हम लोग क्या करते हैं सॉल्ट फ्री करते हैं, वो लीचिंग होता है। तो इन दोनों में जो पानी यूज़ होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियली यूज वाटर। इसलिए वाटर यूज एफिशिएंसी है ये, कितना हम पानी का एक्चुअल यूज़ कर पा रहे हैं। तो क्रॉप यूज़ करते हैं और लीचिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, और कितने पानी में यूज़ करते हैं, जो वाटर हमारा डिलीवर्ड हुआ फील्ड में उसे हम लोग बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। स्टोरेज ये सिंपल एफिशिएंसी है, नाम से पता चल रहा है स्टोरेज, कि पानी कितना स्टोर हो रहा होगा सॉइल में। कितने पानी के रेस्पेक्ट में, कि जितना पानी हमें चाहिए होता है फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला कुछ बन जाता है इस तरह से, ईटा एस इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड और रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट टू द फील्ड कैपेसिटी। इसको विजुलाइज कैसे करें, कि हमने भी पढ़ा था परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी है, यहाँ पर सैचुरेशन कैपेसिटी है। ये ग्रेविटेशनल वाटर जब एक्सेस निकल जाता है उसके पास बचती है हमारे पास फील्ड कैपेसिटी। तो यहाँ से या फिर कहीं भी पानी अगर कुछ लेवल है, उस पानी से फील्ड कैपेसिटी तक जो पानी लाने का क्वांटिटी है वो ये है। और जो इस पानी, इतने पानी में जितना पानी स्टोर हो पा रहा है रूट जोन पे, उसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं स्टोरेज की। तो इन सारी एफिशिएंसी को याद करने का तरीका यही है कि अगर आप इसको विजुलाइज करते हैं, ठीक है, जैसे अभी बताया मैंने यूज़, तो क्रॉप आपका कितना यूज़ कर रहा है पानी को, लीचिंग के लिए भी आपका कितना यूज़ कर रहा है पानी, ठीक है। तो बेनिफिशियली यूज़ पे हमको पता चल गया कि बेनिफिशियली यूज़ है, और किस पानी में जो हम डिलीवर कर रहे हैं उस पानी में। इस तरह अगर आप जब सारी चीज़ें विजुलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें टर्म याद हो जाएंगी, और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है विजुलाइज करने से, तो एग्जाम में आपकी गलतियां नहीं होती हैं। अब अगले टर्म पे आते हैं हम लोग, जो कि है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता लगाने के लिए, कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो ये क्या होता है, जब आपका वाटर आता है कैनाल से, ठीक है, हमारी फील्ड में, तो क्या होता है कि जहाँ पे पानी पड़ रहा है वहाँ ज़्यादा होता है और धीरे धीरे पूरी फील्ड में फैलने लगता है। तो ये इसका जो डेप्थ कम होने लगती है, तो सबसे ज़्यादा डीप पेंट्रेशन कहाँ होगा, जब जहाँ पे गिर रहे हैं वहाँ पे डीप पेंट्रेशन होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग मान लेते हैं कुछ डेप्थ है D1, ठीक है, जो डेप्थ ऑफ वाटर डीप पेंट्रेशन जितना हुआ। अगले पॉइंट पे कुछ देखते हैं, हमने यहाँ पे कुछ एक पॉइंट पे लिया तो उसका हम लोग डेप्थ मान लेते हैं D2। तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है वाटर का, ठीक है। एंड वाटर तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ D5 पेंट्रेशन हुआ, जिस पॉइंट पे गिर रहा था वहाँ पे D1 पेंट्रेशन हुआ। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का, वो कुछ इस तरह का है, 1 - D/D (100). जहाँ पे स्मॉल डी क्या है, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा, फिलहाल हम नोटेशन की मीनिंग लिख लेते हैं पहले। कैपिटल डी हमारे पास क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल। ये टर्म तो हमें पता चल रहा है, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन द सॉइल, मतलब कि यहाँ पे जो ये D1 है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मैंने बताई थी पानी की, तो इन सबका एवरेज D1 + D2 + D3 + D4 + D5 / 5, जितना भी डेप्थ दिए होंगे उनका आपको एवरेज निकालना है, यही आपका कैपिटल डी होता है। इसको आप मीन भी बोल सकते हो, कि आपने मीन निकाल लिया। अब इस स्मॉल डी को चेक करते हैं, स्मॉल डी आपका क्या है, एवरेज ऑफ, एवरेज निकालना है किसका, एब्सोल्यूट वैल्यूज, मतलब आपके अंदर जो भी होगा वहाँ पर मॉड लगाना है, ओके। जो भी अंदर वैल्यू होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव ही रहने वाली है। वो कौन सी वैल्यूज अभी बताने वाला हूँ, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, जो मीन से डेविएशन है, मतलब इस मीन से जो डेविएशन है उसका एवरेज। तो डी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहली डेप्थ D1, उसका डेविएशन -D मीन से और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस फिर D2 डेप्थ का लेंगे, डेविएशन फ्रॉम द मीन D, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस D3 - D, देन एब्सोल्यूट अगेन, प्लस D4 - D, एब्सोल्यूट अगेन, प्लस D5 - D, एब्सोल्यूट अगेन।
और इस पूरे का एवरेज कितने का टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई 5, और इन दोनों वैल्यूज को आपको यहाँ पर पुट करते हैं, आपकी एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन की निकल जाएगी। और इसी को बोलते हैं हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, कि कितना परसेंट ऑफ वाटर सॉइल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डेप्थ का। ठीक है, इस पर आप न्यूमेरिकल लगा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखें, कैपिटल डी निकालें जो कि मीन है, और इसी जो कैपिटल डी में आपने जैसे निकाला D1 प्लस D2 प्लस D3, इसी में आपको माइनस करना है ये कैपिटल डी डेविएशन, और फिर उसी को दोबारा लिख देना है सेम चीज़ और डिवाइड बाई 5, तो आपका स्मॉल डी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट करके आपको डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो ये हो गई हमारी सारी एफिशिएंसीज खत्म। अगली वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो बनाऊंगा मैं सोम के ऊपर, उसमें से एक अच्छा टॉपिक चुनेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।